सर्दियां आते ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे से पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और चेहरा हमारा काला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेशियल लेकर आई हूँ जो कि आपकी बहुत जो भी स्किन की प्रॉब्लम है सबको दूर कर देगा, आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइट और ब्राइट करेगा। इसके बाद आप इस फेशियल को देखने के बाद उसी टाइम पर फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये फेशियल मैं करने वाली हूँ कॉफ़ी से। तो कॉफ़ी में एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करती है, चेहरे के जो रिंकल्स पड़ जाते हैं उसको ठीक करने में हेल्प करती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है और स्किन को लाइट और ब्राइट करती है। तो हम करेंगे फेशियल जो कि बहुत ही जल्दी हम कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए आपको लेना है कच्चा दूध, उसमें आप थोड़ा सा डालिए नींबू। नींबू डालने से क्या होगा, दूध फट जाएगा और इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो एक तरह का एक्टिवेट हो जाता है और जो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, जितने भी आपकी स्किन के पोर्स में से जितने भी डर्ट है सभी को निकाल देता है और हमारी स्किन को तैयार कर देता है फेशियल करने के लिए। तो जब भी आप फेशियल करें रात में ही इस फेशियल को करें। तो देखिए, अभी मैं रात में कर रही हूँ, पीछे आप शेडो देख सकते हैं लाइट के कारण। तो ये फेशियल अगर आप रात में करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आज ही आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर भी ग्लो आए ना तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से अपने हाथों पर भी क्लींजिंग कर सकते हैं, जिस तरह से सर्दियों में हमारे होंठ फट जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो आप उसको भी वहाँ पे भी अच्छी तरह से क्लींजिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना है, टिश्यू पेपर से आप इस तरह से फेस को क्लीन कर लीजिए। तो अभी हम बनाएंगे स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर। तो पूरा एक टेबलस्पून में हम पूरा ये फेशियल कर लेंगे, एक टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर का लगेगा। उसमें आप थोड़ा सा डालिए राइस फ्लावर, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर राइस फ्लावर आपके एंटी एजिंग होता है जो आपकी स्किन पर रिंकल्स को दूर करने में हेल्प करता है। इसको मिक्स करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को ठीक करता है, चेहरे के पोर्स को टाइट करने में हेल्प करता है और चेहरे को इंस्टेंट लाइट और ब्राइट करता है। तीनों ही चीज़ें बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं। तो ये जो स्क्रब है ये अगर आप वीक में 3 बार करोगे तो आपका चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। तो देखिए, इसके बाद आप 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से आपको स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए, आप देखोगे इंस्टेंट रिजल्ट। तो अभी बढ़ते हैं मसाज की तरफ। तो मसाज के लिए बहुत ही ईजी, आपको लेना है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों, विंटर है, विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है, स्किन को पॉलिश इफेक्ट देता है। बट अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसमें आपको ऐड करना है कॉफ़ी का पाउडर और कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा पास कॉफ़ी का पाउडर था थोड़ा सा ये मोटा है, अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा हो तो आप उसको मिक्सी में चलाकर थोड़ा सा उसका फाइन पाउडर बना लीजिए ताकि हमारे मसाज करने में बहुत आसानी हो। तो इसको आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए, 10 मिनट लगाकर आपको मसाज करनी है। जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे फोरहेड के ऊपर हमारी आँखों के आसपास रिंकल्स पड़ गए हैं, तो दोस्तों मैंने आपके साथ एंटी एजिंग फेशियल मसाज शेयर की है। तो वीक में उसको 2 बार तो ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है सैगिंग ना करे, एकदम से टाइट रहे, तो आपको मसाज ज़रूर करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो आपको पूरे स्टेप करने हैं 10 मिनट लगाकर, अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट तो आपको पूरा करना है। तो दोस्तों, इस तरह करने से आपके चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। तो इसके बाद हम बनाएंगे फेस पैक, जिसके लिए जो
कॉफ़ी थोड़ी सी बच गई थी वो ली है, उसमें डाला है बेसन और इसके बाद इसमें डालू हूँ कच्चा दूध। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमारा बहुत ही मैजिकल ये फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल किसी वजह से, तो आप उसकी जगह पर एलोवेरा जेल ले लीजिए। उसमें विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल ऐड ज़रूर कीजिए, क्योंकि विंटर है तो विंटर में हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी स्किन ड्राई रहेगी तो रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़र ज़रूर करना है। तो इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर लगा लीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, 10 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लीजिए। तो आप अभी देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आया है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नाइट क्रीम लगानी है। मैंने अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया था, तो ये है सीरम, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। ये सीरम भी आपको बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, आपकी स्किन को एकदम से लाइट और ब्राइट कर देगा। इसके बाद सो जाइए और सुबह इसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।